आज मैं करवाने जा रहा हूँ आपको अपने घर का टूर, और यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सू एरिया है। जब भी हम कभी बाहर से आते हैं तो शूज़ वगैरह बाहर के यहीं उतार देते हैं। और देखो वो मेरे कपड़े पड़े हैं। कोविड के टाइम जब भी बाहर से आते हैं तो बाहर के कपड़े यहीं उतार देते हैं, बैग वहीं रखा है, सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़ करते हैं फिर घर पर आते हैं। तो ये मैं आपको पूरा बताता हूँ, एरिया है। फिर ये हमारे घर का, अब ये जो कार्ड रखा हुआ है, लिखा है इस पे देखिए 25। ये कार्ड जो है वो कोविड की वजह से हम लोगों ने यही रखा है कि पानी की सप्लाई, पानी वाला है आता है वो यहीं पे लिख के जाता है कि कितनी बॉटल उसने रख दी, कब रखी, डेट डाल करके यहीं पे जो है वो हम लोग उसकी व्यवस्था की है लिखने की। अब आते हैं घर के अंदर। ये घर का मेन गेट है, ठीक है। अब इसके जाते ही सबसे पहले हमारे ये वॉश बेसिन है, तो यहाँ पे पहले अपने हाथ धो कोविड के टाइम, फिर उसके बाद अंदर आओ। और मैं एक और बड़े मज़ेदार बात बताता हूँ यहाँ पे आपको कि ये देखिए, ये जो हम लोगों ने ये जिसमें कॉम्ब वगैरह डाली हैं, इसमें वो अपना वो पेस्ट है, ये सब डाली है। तो ये हम लोगों ने एक डिब्बा पड़ा था खाली, उसको मेरी वाइफ ने काट करके ये इसका स्टैंड बनाया, और ये पाउडर का डिब्बा था, और पाउडर के डिब्बे वो ब्रश के लिए बनाए। इसमें 3-4 एरिया थे, जैसे ब्रश के लिए 4 मेंबर हैं तो 4 एरिया में डिवाइड किया था इसको, ताकि ब्रश आपस में टच भी ना करें। तो ये वॉश बेसिन है। अब इसमें ये वॉशरूम है, अगर बाहर से भी कोई आता है तो अंदर सीधा जाएगा, नहाएगा धोएगा कोविड के टाइम पे। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम में भी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि हम लोगों ने ये जन्नत का आइडिया था कि हम पापा यहाँ पे एक सीनरी लगाएं। ये जन्नत ने ही बनाई थी पिछले साल सीनरी, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पे लगा दिया। अच्छी लगती है बहुत, इस वॉशरूम में भी अच्छा लगता है। तो ये हमारा वॉशरूम है, और जन्नत इंजॉय करती है। ये शावर है, हैंड शावर इसको, तो गर्मियों में मज़ा आता है नहाने का। तो इसके साथ ही अब आते हैं हम अपने मेन रूम में। ये एक बहुत बड़ा हॉल था, ठीक है। जब हम लोगों ने ये घर लिया तो ये हॉल ही था दरअसल, और इसको देख के हम लोगों ने ये घर लेने की, हम लोगों ने सोचा कि ये अच्छा है, हॉल बहुत है, हमारे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए ये हमारा है ड्राइंग रूम कह लीजिए, जो भी हॉल ही में बेड है, यहाँ पे सोफ़ा है, ये मंदिर है, और ये चेस्टर के साथ टीवी है। बाकी इस तरफ भी हम देखें तो एक डबल बेड आ जाता है इसमें, और ये डबल बेड के साथ साथ ये इसमें अलमीरा भी है। देखिए जन्नत के अलमीरा है, जन्नत का सामान है पूरी अलमीरा में, जन्नत की चेयर। अब हम चलते हैं बाहर बालकनी की तरफ। तो ये बालकनी है, ये बाहर का व्यू है, ये हमारा पार्क है सामने। तो आजकल तो ये कोविड की वजह से बंद कर रखा है। ये हमारा वॉशिंग एरिया है, इसमें बालकनी में दिया गया है। तो हम लोग यहाँ इसको वॉशिंग एरिया कम यूज़ करते हैं, वो टैप लगा है, केवल कूलर में पानी डालना हो तो इस टैप का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ खुली है बालकनी में बैठने के काम भी आती है। गर्मियों में जो है वो यहाँ पे गर्मियों में कम धूप आती है, दूसरी तरफ ज़्यादा धूप आती है, तो सुबह बैठने के लिए ये बहुत अच्छा लगता है, हवा भी अच्छी होती है यहाँ पर सुबह सुबह। अब मैं आपको किचन की तरफ ले जाता हूँ। अब ये है किचन,
ये किचन है, तो किचन में भी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बना है। अभी तो कुछ नहीं बना है। ये कल जन्नत का प्रोटीन जो है एक ड्रिंक बनाएंगे, तो उसके लिए एलमंड बटर बनाना है, तो उसके लिए एलमंड भिगोए हैं, ओट्स भिगोए हैं 2 कप, सॉरी भिगोए, इसको रोस्टेड किया, आई थिंक रोस्टेड किया होगा, है रोस्टेड किया है इसको, इसको भी रोस्ट किया है। तो ये किचन है, ये यहाँ से भी अब अगर आप खाना बना रहे हैं तो देखो ये बाहर का व्यू है, वो नीचे जो हमारा शूज एरिया है ये ऊपर तक सारा दिखता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप किचन से पता कर सकते हैं। तो ये हमारी किचन है छोटी सी, अब चलते हैं इसमें बाहर की तरफ। तो ये हमारा दूसरा रूम है, इसका हम लोग गर्मियों में कम यूज़ करते हैं, सर्दियों में तो इसी को यूज़ करते हैं, गर्मी होती है इसमें थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है। ये विंडो है, तो वेंटिलेशन के नाम पे एक डोर और एक विंडो है, तो हम इसका कम यूज़ करते हैं। तो ये और ये बाहर जो है, बाहर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसका हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो वॉशिंग एरिया बनाया है, यहाँ पे देखिए मैं आपको तुलसी बताता हूँ, बहुत मुश्किल से तुलसी को पाला है और लगती नहीं थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से पौधे लेकर के आए फिर भी नहीं लगते थे। अब यहाँ ये जन्नत भी थोड़ा थोड़ा प्लांटेशन कर रही है, उसके स्कूल में सिखाया जाता है। तो ये पूरा हमारे हाउस का पूरा हाउस है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके ज़रूर बताएं।